पिपलियाना तालाब के प्राकृतिक बहाव को संतुलित करने के लिए इंदौर नगर निगम ने उसके दोनों ओर आउटलेट बनवाए हैं। इन आउटलेट को खोलने के लिए बुधवार को निगम की टीम अधिकारियों के साथ तालाब पहुंची थी, लेकिन नगर निगम की टीम को स्थानीय रहवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों के विरोध को देखते हुए निगम की टीम उल्टे पांव लौट आई। जिला एवं सत्र न्यायालय ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर पिपलियाना में बन रही कोर्ट बिल्डिंग के पास स्थित कथित तालाब के दोनों ओर बनाए गए आउटलेट को खोलने का कहा था। इसके चलते निगम आयुक्त अन्य अधिकारियों के साथ बुधवार को तालाब पर पहुंचे थे। बाहर एसोसिएशन तो लगातार यानी कि रहवासियों के साथ में चल रही है, क्योंकि बाहर एसोसिएशन रहवासियों की जल स्तर कॉलोनियों का जो 30 कॉलोनियों का जीवन संकट में लाने का काम किया जा रहा है और इंदौर शहर की जनता को भी धोखे में रखा जा रहा है, जिसके लिए जनता पहले ही इस तालाब को बनने से पे कोर्ट बनने से रोक चुकी है, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर ये लंबा प्रोजेक्ट है और अब जो न्याय देने वाले लोग हैं वो कटघरे में हैं। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।